अगर बच्चे की पांच मिनट पहले फोन देख लो ना लगे अब बदले देख लो ना भी बोल खून अरे बाकी जो दूर जाओ सारे अपना काम सर इधर 8 बजे से हम आए हुए हैं, ये 4 बजे से आए हुए हैं सब, इधर एडमिट हुए 4 बजे से, तो अभी 8 बजे 9 बजे जाके डिलीवरी हुई, फिर इन्होंने छोटा ऑपरेशन कर दिया अंदर। छोटा ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने बोला अंदर ये लड़की बेहोश हो गई, ये मेरी साली है, साले की घरवाली है, तो इसको उठा के बाहर लाया तो बोलने लगे अभी ये ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ, तो ये ग्लूकोज लगा के चले गए, तो हाथ लगा के ऐसे ही है, ठीक है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2 घंटे के बाद बुलाया तो बोलने लगे कि इसको ब्लड की प्रॉब्लम है, ब्लड ले आओ। ब्लड लगाते तब तक इधर ये खत्म हो गया। इन्होंने बोला, उसने बोला ब्लड वाले ने कि क्रॉस के लिए खून चाहिए, वो इधर से मुंह आने लगे, ये बोलते हैं वो बोलती ही नहीं है, तो आ जाओ आप इधर आओ, हम इधर आए तब तक ये पूरी हो चुकी। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बस और किसी के साथ ऐसी बात ना हो, तो इसीलिए ये जो ये नर्सें इधर होती नहीं, एक ही नर्स इधर थी, बाकी सब ये नर्सें बाद में आई, जब ये काम हुआ ना ऐसा, उसके बाद ये इधर 5-6 आ गई, उससे पहले कोई भी नहीं आई इधर, एक दो ही नर्स थी जो इधर ऐसा काम करके उसके बाद फिर इधर आए, बस वो उनका बस हो जाए कुछ तो हम इसके बाद क्या पे हमने कट लगाया कुछ किया वहाँ पे, हम देखें दोबारा कोई ब्लीडिंग हो रही है क्या, ये वो नीचे देख लो, ये नीचे ये देख लो कितनी ये हो रही थी, इन्होंने बोला नहीं ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं, कमजोरी की वजह से हुआ, गई जाके हमने अंडे लाए वो खिलाए, उसके ठंड लग गई थी उसको। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? उनको निकालना चाहिए यहाँ से, और क्या, अगर काबिल ही नहीं है यहाँ पे रहने के, अगर दोबारा देख नहीं सकती पेशेंट को कि अंदर वो गिरी है, बाकी जो उसके साथ थी कि वो घर चली गई, अगर वो गिर गई है अब उसको प्रॉब्लम है ना, तब भी वो गिरी है, ऐसे थोड़ी वो गिरी है, उसको डॉक्टर भेजो, दूसरे डॉक्टर की तरफ भेजो, अगर आपको जांच नहीं है डॉक्टर पड़ी हुई आती नहीं डॉक्टर, तो दूसरे डॉक्टर की तरफ भेजो, हमें बोलो लेके जाओ जम्मू लेके जाओ उधर लेके जाओ, ये नहीं है ना यहाँ पे ऐसे हाथ लगाया बस चले गए खाने के लिए घंटा एक घंटे के बाद फिर से आए, हमने बुलाया फिर से आए ऐसे हाथ, और इसको ब्लड दो जल्दी, ये इसके ज्यादा सीरियस हो रही है, ब्लड के लिए गए पहले तो ब्लड नहीं दिया, इधर से दिया तो फिर लिया, इधर से दिया उधर से तो लिया ही नहीं, तब तक ये खत्म होगी, यहाँ पे आई तो डिलीवरी का मौका था, तो यहाँ पे आई तो इनको एडमिट कर दिया, एडमिट करने के बाद बोला कि ठीक है ये नॉर्मल ठीक हो जाएगी, उसके बाद इसका छोटा ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उसको स्टिच किया गया, ब्लीडिंग होती रही, और जब ऑपरेशन करके
तब लास्ट पे डॉक्टर बोलती है, लेडीज जो बोलती है कि इसका जो है इसको खून की जरूरत है, बच्चा हो गया वो कहने के बाद वो कहती है खून की। हालांकि जो भी डॉक्टर होता है वो पहले पहले कहता है उसका ब्लड लेता है, उसको खून टेस्ट करता है कि इसको कितने पॉइंट है कि इसका ऑपरेशन होगा क्या, ये सीरियस मसला होता है। तो इसमें डॉक्टरों की जो लापरवाही है, जिस तरह से ये बर्ताव करते हैं, ऐसे इंसान को ऐसे समझते हैं ये जानवर है, पहले तो पकड़ते ही नहीं है, और जब ये पकड़ते हैं ये समझते हैं ये जानवर है। वो इस तरह से यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जाती है और बारहा यहाँ पे हर महीने में यहाँ पे हंगामे होते हैं लोगों के साथ, किस तरह से जो बर्ताव करते हैं। एक माँ जो है, छोटे तीन बच्चे हैं, वो यतीम हो गए हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, एक तीन साल की बच्ची है, एक डेढ़ साल का बच्चा है, एक छोटा बच्चा, ये बच्चे क्या करेंगे। अगर आज इस बच्ची के साथ ये हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। बारहा यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हम डीसी साहब से, एसएसपी साहब से हम कहते हैं, ऐसे ऐसे जो लापरवाह ऑफिसर हैं, जो भी यहाँ डॉक्टर हजरात हैं जो लापरवाही करते हैं, उनको उसी वक्त ऑन स्पॉट सस्पेंशन ऑर्डर उनको देनी चाहिए, उनको सस्पेंड कर देने चाहिए। बारहा यहाँ पे हर महीने में यहाँ पे ये हालात, गरीबों के साथ ऐसे हालात। पहले तो कोई लेडी एक लेडी की कॉपी है, दूसरी पकड़ती नहीं है, हम नहीं पकड़ेंगे उसका केस है। अगर एक सीरियस मसला है, एक इंसान की जान जा रही है, क्या उसको नहीं देखेंगे? यहाँ पे जितनी इस हॉस्पिटल में जो हस्ता हालत है, जहाँ इतना लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे जानवरों के साथ नहीं किया जाता। हम ये कहना चाहते हैं, एसएसपी साहब से कहना चाहते हैं, इसकी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, पूरा एक्शन होना चाहिए, इसको सस्पेंड जो भी है, इस वक्त जिसकी भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी है जो, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे लापरवाह और नाअहल जो भी है, उनको नालायक लोगों को किसने रखा है?